हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसमें कहा है कि ए और बी जो है आपके टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और दोनों का ऑर्डर सेम है। बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका जो डिटरमिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ये आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया इन्होंने, ठीक है, नॉन सिंगुलर। अच्छा, सबसे पहला कहा है इन्होंने कि एडजॉइंट ए बी इक्वल होता है एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी के। ये स्टेटमेंट गलत है। आप ध्यान में रखें कि एडजॉइंट ए बी जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के। आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल लेकर भी इसको प्रूव कर सकते हैं, पर आपको ये ऑलवेज याद रखना पड़ेगा कि एडजॉइंट ए बी इक्वल होता है एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। सेकेंड केस है, एडजॉइंट ए बी इक्वल है एडजॉइंट बी ए के। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। तो ऑब्वियसली ए बी का जो एडजॉइंट है वो बी ए के एडजॉइंट के बराबर भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत हो गई, दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई है। अब तीसरी स्टेटमेंट में आते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना है तो आपने तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा एडजॉइंट ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ये आप ध्यान में रखें, ए को अगर हम एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिटरमिनेंट ए के इक्वल आएगा। और ये डिटरमिनेंट ए के साथ, ध्यान, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, डिटरमिनेंट ए के साथ मैं कोई मैट्रिक्स ऐसे लगा सकता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ए एडजॉइंट ए हो गया, ये समझ में आ गया। और क्या कर सकता हूँ मैं इसको, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए माइनस डिटरमिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इन्होंने ए को हटाकर एक मैट्रिक्स डाल दिया है यहाँ ए बी। हर जगह ए की जगह क्या डाल दिया, ए बी। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है क्योंकि ए बी इटसेल्फ एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर हर जगह ए को ए बी से रिप्लेस कर दूँ तो भी मेरी स्टेटमेंट ट्रू होनी है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ये वाली जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पर, ये करेक्ट है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो इन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यही हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।